अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टील्स के बारे में और उसके टेक्निकल जो लेवल्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे और उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे कि कहाँ पे पॉसिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो अब रहती है आज की परफॉर्मेंस के बाद। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी फ्यूचर की वीडियोज देख सकें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं टेक्निकल रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल स्टील्स। तो आपके सामने जो है चार्ट है इंटरनेशनल स्टील्स का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की जो परफॉर्मेंस रही है वो काफी ज्यादा अच्छी है और स्टॉक ऑलमोस्ट 5.75% अप है और 2.29 रुपीस का गेन किया है और जो क्लोजिंग प्राइस दी है वो दी है 42.11। सो ये इसकी कैंडल रही है। इसका मतलब है कि जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल के बाद जो फॉर्मेशन बनी है उसके बाद स्टॉक जो है वो इसी रेंज के अंदर जो है वो घूम रहा है। और अगर हम यहाँ देखें तो हायर लोज जो है वो इस छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो कॉन्स्टेंटली बना रहे हैं। ये इस ट्रेंड को जो है कंफर्म कर रहा है कि मतलब ये जो बेयरिश इंगल्फिंग बना था इसकी अब इतनी ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस रही नहीं है। तो हम इसको जो है थोड़ा सा साइड पे रख सकते हैं इस व्यू को और ये देख सकते हैं कि अब स्टॉक जो है वो उसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे होगी। तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है हम अगर इसको देखें तो ये एक लेवल है जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये स्टॉक इस एरिया से रेजिस्ट कर सकता है। तो इसको जरा रेड कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, तो मैं इसको बोल्ड कर दूं लाइन को, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक ने एक जगह पे ये रेजिस्ट किया था, फिर यहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर यहाँ थोड़ी बहुत सपोर्ट ली, फिर ये सपोर्ट ली, उसके बाद ये वाला लेवल है जहाँ पे स्टॉक ने वापस से आज इसके क्लोजेस्ट जो अपना लेवल टच किया, मतलब क्लोजेस्ट है, इतना ज्यादा एग्जैक्ट लेवल को टच नहीं किया। तो ये इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकती है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो देन ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे और ऊपर जाने के जो चांसेस हैं उसके अंदर जो इसकी टेम्परेरी रेजिस्टेंस आएगी इसके बाद इस इमीडिएट के बाद, तो आप ये वाला लेवल जो है वो देख सकते हो कि ये इसकी टेम्परेरी रेजिस्टेंस होगी। तो इस लेवल कह रहा हूँ तो 42 और 45 का एरिया ऐसा होगा जहाँ पे ये थोड़ा सा प्रेशर लेगा और आप इसको सप्लाई जोन कह सकते हो कि ये 42 टू 45 का एरिया जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसके डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए मोस्ट प्रोबेबली हमारे व्यू में वो ये है कि आप इसके 39 से बिलो पे स्टॉप लॉस जो है वो अपना प्लेस कर सकते हो जो कि थोड़ा सेफर साइड के ऊपर है। अगर मैं बात करूँ ये वाला लेवल आप ले लें 38.5 जो कि इसका लो है ऑलमोस्ट 38.52, तो आप इस एरिया के ऊपर और इस एरिया की रेंज के अंदर जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर सकते हो। उससे होगा ये कि जो मार्केट की अभी करंट वॉलिटिलिटी है उसकी बेसिस पे आप अपने आपको थोड़ा सेफ साइड पे रख सकते हो कि आपने 38 to 39 के लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट कि आप कितना रिस्क जो है वो बेयर कर सकते हो। तो अगर कोई एडवर्स मोमेंट आती है तो आप उससे बच जाओगे इस स्टॉप लॉस के थ्रू, और अगर यहाँ पे ये रेजिस्ट को ब्रेक करता है और फिर ऊपर जाता है तो आपको अपनी पोजीशंस को कैरी करना है। और ये इसका इनिशियल स्टांस होगा कि ये 42 टू 45 के लेवल पे जो है वो इस नेक्स्ट वीक तक जो है वो टच कर सकता है अगर ये इसको ब्रेक करता है। अगर हम इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करें तो मोमेंटम इंडिकेटर्स के अंदर इसके जो RSI है वो काफी बुलिश है, फर्स्ट थिंग विच इज गुड साइन। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो आज के दिन में वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा हुए हैं, ऑलमोस्ट अगर वॉल्यूम देखे जाए तो वॉल्यूम इसके 2.34 मिलियन के हैं जबकि लास्ट डे में 1.13 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। तो वॉल्यूम्स के प्रेशर है, तो प्राइस एक्शन वॉल्यूम को अगर हम देखें तो यहाँ पे कैंडल भी बड़ी बनी है और वॉल्यूम भी ज्यादा, दैट मीन्स ज्यादा काम हुआ है इसके अंदर और बुल भी अग्रेशन के अंदर है। तो मोस्ट लाइकली कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाने जा सकता है। दूसरी चीज जो मैकडी है, अगर मैकडी को देखें तो मैकडी भी काफी ज्यादा जो है वो अपसर्ज दिखा रही है और मैकडी के अंदर भी हम बुलिश साइन जो है वो देख सकते हैं। तो ये भी एक चीज है जो कि पॉजिटिव जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है हमारे स्टॉक्स के अंदर। दैट मीन्स कि ISL के अंदर ओवरऑल जो है पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है, बट अगेन मार्केट डिपेंडेंट है, मार्केट की अगर परफॉर्मेंस डल रहती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो ISL के स्टॉक पे भी आएगा। तो आप अब आपके सामने इसके लेवल्स भी हैं कि अपसाइड जो मैक्सिमम अपसाइड लग रही है वो विद इन नेक्स्ट 3 to 4 वर्किंग डेज जो भी ट्रेडिंग सेशन होगा, क्योंकि कल जो है वो लास्ट डे है इस वीक का, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा उसके अंदर 45 का लेवल है, उसके बाद उससे पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो है 42 की लेवल। और बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक जो कि हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये कल में ही इस लेवल को अचीव कर ले और मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक में कर ले।
ठीक है, और डाउन साइड का भी बता दिया है कि 38 to 39 वुड बी योर स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाएगी तो वो आपका लेवल जो है बन सकता है कि आपने वहां पे स्टॉप लॉस को सेट कर लिया। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर फॉर यू के मतलब किस तरफ हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इट विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें।